ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 11 अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध एक स्थान से किसी दूसरे गांव जाना चाहते थे। जिस गांव जाना चाहते थे उस गांव का एक छोटा सा रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक बहुत खूंखार निर्दयी एवं क्रूर डाकू रहता था। वहां से जो भी व्यक्ति जाते थे वे उसे लूटकर उसके हाथों की उंगलियां काट लेता था और फिर उन्हीं उंगलियों की माला बनाकर एवं पहनकर स्वच्छंद घूमता था। ऐसे भयानक डाकू से सभी लोग डरते थे और दूसरे लंबे मार्ग को पार करके दूसरे गांव की यात्रा करते थे। जब बुद्ध उसी रास्ते से जाने लगे तो लोगों ने उन्हें खतरे से आगाह करते हुए बहुत समझाया कि आप उस रास्ते से ना जाएं। परंतु महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से अकेले चल पड़े। जब वे घन घोर जंगल से गुजर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने भारी और ऊंची आवाज में आदेश दिया, रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। किंतु बुद्ध अपने मस्त चाल से चलते ही रहे। उस व्यक्ति ने इनकी तरफ भयानक आवाज करते हुए इन्हें पकड़ने हेतु दौड़ लगाई। जब वे पास आ गया तो उसने फिर रुकने को कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसके हाथ में खून भरी बांक, एक प्रकार का धारीदार हथियार था और महात्मा बुद्ध रुक गए। उसने बुद्ध से पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ, लोगों ने बताया कि आप अंगुलीमाल हो। उसने पूछा, क्या मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम अन्य लोगों की तरह मुझे देखकर बचाव हेतु भाग भी नहीं रहे? बुद्ध ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पुनः कहने लगे कि मैं लोगों की उंगलियां काट लेता हूँ और उसकी माला बनाकर पहनता हूँ। उसने डरावनी शक्ल बनाकर कहा, देखो ये माला। बुद्ध ने इसके उत्तर में निर्भयता पूर्वक दोनों हाथ उसके सामने बढ़ा दिए। ऐसे दृश्य जीवन में पहली बार देखकर अंगुलीमाल अवाक रह गया। उसे जीवन में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला था जो इतना निर्भय, अचल, अडोल स्थिति में था। ऐसे क्रूर, हिंसा पर उतारू व्यक्ति के प्रति भी करुणा एवं दया का भाव था। फिर भी उसने बुद्ध के दोनों हाथ एक हाथ से पकड़े और दूसरे हाथ से बांक पूरी शक्ति से उठाकर हाथ काटने को बढ़ाई और बुद्ध की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। जब हथियार वाला हाथ जैसे ही नीचे आया, उस डाकू पर उनकी अहिंसा का ऐसा असर पड़ा कि वो हथियार फेंक कर उनके चरणों पर गिर पड़ा और गिर गिरा कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा, बताइए आप कौन हैं? इतना शांत और निर्भय। महात्मा बुद्ध को जैसे इसी क्षण का इंतजार था, उन्होंने उसे उपदेश दिया। और क्या उपदेश दिया? कि अहिंसा पर हिंसा की हमेशा अहिंसा की विजय होती। और ये अहिंसा का उपदेश स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से भी आकर दे रहे हैं। और किस प्रकार से हम अहिंसक बने, हमें किसी भी आत्मा को ना दुख देना है और ना दुख लेना है। सबको सुख देना है और सुख लेना है। इस बात को आप यदि अपने जीवन में सीखना चाहते हैं और वो भी उससे जिसकी एक झलक देखना को दुनिया तरस रही है, वो परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को नरक से स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, पतित से पावन खुला बना रहे हैं, जिसके लिए सब परमात्मा को पुकार रहे हैं, वो कार्य अपना कर रहे हैं।
आप किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।